तो बदली लगाने को मना क्यों कर रहे हैं? जब जो भी गांव, जिस गांव पर मैंने बदली लगाई वो गांव ढहने के बगैर नहीं रहा, वो ढाई दिया गंगा ने। तुम तो परेशानी अराधी डोबे ही खा रहे हो जब से होश मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज से, मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी शिकुल कुमार। दोस्तों, आज हम सिमली गांव में मौजूद हैं और यहां के कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि सिमली गांव का क्या इतिहास रहा है। जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम बलराम है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये गाँव गंगा के तट के किनारे जो बसा हुआ है, इसका क्या इतिहास रहा है? इसका इतिहास ये रहा है जी, जो हमारे बड़े थे पहले, जब लोग हमारी याद नहीं, जब वो गाँव हमारा आज से 60 साल आज हो चुके, जब ढा दिया गंगा जी ने, बर्बाद कर दिया था। अच्छा। हाँ जी, तो गंगा जी हमारे गांव से कई किलोमीटर पर रहती थी, कम से कम भी 4 किलोमीटर पर रहती हमारे गांव से, और इनसे जहाँ बस रहे हैं इनसे 3 किलोमीटर हमारा गांव है जो बसाया था पहले, और जो कड़वट के गांव हैं जितने भी, जो बांगर से आकर खादर से आकर बसे थे हमारे कड़वट के गाँव, बड़ा छोटा शिमला, सुकवाबाद, फतेहपुर, सैपुर, और जी मानवाला, ये गंगा जी ने द्वारा, और नीचे बड़ा शिमला, एक केवल हमारा गांव बसा है गंगा ढांग पर, ऊपर के गांव सारे ढादी जितने भी टोटल हैं सब पर गवर्नमेंट ने बल्ली लगाई, कुछ भी करा पर वे रुके नहीं गांव, सब ढह ढह कर तिवारा भी बांगर बसे जाकर द्वारा जमीन ले ले। अच्छा, आपके गांव में कितनी जनसंख्या है? हमारे गांव में इस टाइम 700-750 वोट हैं। हाँ, 1500-1600 2000 के लिमिट में जनसंख्या। अच्छा, तो आपका गाँव जैसे इस ओर दोबारा बसा है, हाँ जी, तो वो गंगा में बह गया था या फिर उस ओर था तो इस ओर आके बस गया? उस टाइम गंगा जी में बह गया था, कटान में गंगा जी जैसा चली हो रहे गांव को डातो डातो, आज ये बंगर में आ गई। आज 24 साल कम से कम भी 24-25 साल हमारे जंगल को डाव होगी, जब आज 60 साल गांव को आओ हो गए, 24-25 साल इस जंगल को डाव हो गए हमारे जैसा। अब फिर गाँव की जड़ में चल रही है जी, 24 साल हो गए गाँव की जड़ में चलते हो गंगा को, और जंगल सारा ढा दिया गवर्नमेंट। इस बीच आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? इन बीच हमारा परेशानियों का सामना तो ये साहब, मजदूरी कर रहे हैं गंगा की, खेती कर रहे हैं, जो खेती करे भी कहाँ से मजदूरी करने जाएंगे, वही नाव किसी लेकर पलीदरपा जाएंगे, करनी मजदूरी पड़ेगी, क्यों डमरों के लिए चारा लाने के लिए और कोई साधन नहीं हमारे पास, बांगर हमारे पास जमीन नहीं है जो हम बांगर बोले में। आज ये बताओ तो हम कहाँ से सरकार का हम कर्जा दे, कहाँ से बच्चों को पढ़ा, अब हम मजदूरी कर रहे हैं, पेट पालना की ना करा हम कोई सा। कर्ज किस तरह का देने चाह रहे हैं आप सरकार के? कर्ज जो हमने हिंग से वो लिया था, जैसा कृषि कार्ड लिए हैं, बिजली का बिल भी हमारे पास, और कृषि कार्ड जो नहीं दिया गया हमारे से, जब फसल नहीं हो रही तो बिजली का बिल भी नहीं दिया जा रहा, जब फसल नहीं हो रही। आपकी जमीन किधर है, गंगा के इस पार है या उस पार है? अच्छा, हाँ जी, पछा में गंगा जी, गंगा की धार में इस टाइम पूरी। और जो आपकी फसल क्या क्या होती है गंगा के पार? गंगा के पार फसल अधिकतर गन्ना ही होता है और कुछ नहीं होता, क्यों डंगर इतने हो गए, अब और फसल को नहीं होने देते सिवा। कौन सी मिल में जाता है आपका गन्ना? हमारा गन्ना बरकासपुर मिल में जाता है जी। बरकासपुर मिल में? हाँ, बरकासपुर मिल में। अच्छा, तो उसके लिए आपका साधन क्या है गन्ना का इस ओर लाने के लिए? इसी ओर गन्ना लाने के लिए साधन ये हो, अब पहले तो किस्ती में उतारे थे, अब जैसे जोड़े चल गए, जोड़े वो उतारते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर गंगा में गिर जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, कोई ही पुल नहीं है लगा का, बैराज पर क्या पुल, क्या बाला वाली है, इसके बीच में कोई पुल साधन नहीं। तो आपकी जो ग्राम पंचायत, उसका नाम क्या है, या सिमली ही नाम है? नहीं, ग्राम पंचायत मोहद्दीनपुर है हमारी पंचायत का नाम, इसमें 5 गांव है पंचायत में, एक सिमली रही, मोहद्दीनपुर रहा, बड़ा शिमला रहा, छोटा शिमला रहा, सुकवाबाद रहा, और जी मीरापुर रहा, इन ये 5 गांव की पंचायत है। ये गांव भी ढा दिए? तो आप ये गांव भी ढा दिए? अच्छा। जो हमसे गंगा की ढांग पर थे, सुकवाबाद, छोटा शिमला, ये पंचायत में थे, ये ढा दिए, बड़ा शिमला था नीचे, ये ढा दिया, अब ऊपर फतेहपुर भी ढा दिया, सैपुर भी ढा दिया, बात यो ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सहायता नहीं जो इन गाँव को रोक दे, क्या करते हैं बल्ली लगाते, बल्ली से जब बल्ली एक फिर मना करी थी बल्ली लगाने को, तो यो कहता सामने आओ कौन सा जो बल्ली लगाने को मना कर रहे हैं, तो बल्ली लगाने को मना क्यों कर रहे हैं, जब जो भी गांव, जिस गांव पर मैंने बल्ली लगाई वो गांव ढहने के बगैर नहीं रहा, वो ढाई दिया गंगा ने। तो आपके गांव में गंगा जैसे कटान होता है, तो आपने किसी से इसकी शिकायत की, जो आपका जंगल उस ओर भी है? इसकी शिकायत हमने MLA से भी कर ली, कलेक्टर से भी कर ली, हर चीज से हमने MP से भी कर ली, ऐसी कोई शिकायत नहीं जिससे हमने
जो हमारा ही जैसा एमपी होया, मैडल होया, कलेक्टर होया, इन सब पूरी शिकायत करी, हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो बुजुर्ग हैं, तो इनसे जानेंगे। जी, इसी गांव के रहने वाले आप? हाँ, इसी गांव। आपके गांव का इतिहास क्या रहा है जो आपको याद है? भाई, इतिहास ही का हम बता नहीं थी, तुम तो परेशानी अगर डोबे खा रहे हो, जब से होश मिला डोबे खा रहे हैं। डोबे खा रहे हैं।